दोस्तों बहुत से लोग थायराइड की समस्या से परेशान होते हैं जिसकी वजह से उनको वेट लॉस करना या वेट गेन करना इसमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है जी हाँ अगर आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो हाइपर एक्टिव है या हाइपो एक्टिव है ये दोनों समस्याएं आजकल बहुत कॉमन हो गई है तो आज मैं आपको तीन ऐसे जरूरी और जबरदस्त योगासनों का अभ्यास सिखाऊंगी, जिसकी मदद से आप अपने हाइपर एक्टिव या हाइपो एक्टिव को बैलेंस में कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में दोस्तों कैसे हैं आप सभी उन आसनों का अभ्यास जो कि थायराइड को बैलेंस करने में बहुत मदद करेंगे चाहे वो हाइपर चाहे हाइपो एक्टिव हो, दोनों के, दोनों केसेस में। इस आसन को कहते हैं सर्वांग आसन या सारे आसनों की जननी या कि फिर इसका नाम है शोल्डर स्टैंड सर्वांगासन शोल्डर स्टैंड या मदर ऑफ ऑल आसन इसका नाम है तो ही तो इसका नाम नहीं पड़ गया ना तो जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो गर्दन पर इसका दबाव जो है आपको महसूस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इस पॉस्चर को रोक के रखना है अगर आपको कंधे और गर्दन में कोई इंजरी है कोई ऑलरेडी दर्द है या कि फिर आपको कोई पेन है सर्वाइकल का टेंशन है तो फिर आपको इस आसन का अभ्यास कतई नहीं करना है बिल्कुल भी नहीं करना है आपको करना क्या है आराम से अपनी योगा मैट पर इस तरीके से पीठ के बल लेट जाना है अपनी योगा मैट पर लेट जाना है दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखना है फिर उसके बाद क्या करना है दोनों पैर की एड़ियों को और अंगूठों को एक दूसरे के साथ जोड़ना है और फिर उसके बाद धीरे 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 अपने पैरों को इस तरीके से सीधा करना है और फिर उसके बाद कमर को उठाते हुए अपने एल्बो को अपनी बॉडी के अंदर की तरफ इस तरीके से पुल करें और फिर उसके बाद अपने पैरों को ऐसे सीधा कर दें इस तरीके से ब्रीद करें ब्रीद करें कम से कम इस पॉस्चर को 30 सेकेंड या एक मिनट तक आपको रोक के ज़रूर रखना है और अपने अंगूठे को देखना है सांस लेते और छोड़ते रहें फिर उसके बाद जब वापस आना है तो घुटनों को इस तरीके से ऐसे बेंड करें घुटनों को माथे की तरफ लेके आए और फिर उसके बाद अपने कमर पर हाथ को स्लाइड करते हुए रेस्ट करें जब एक बार अभ्यास कर लें तो फिर उसके बाद रेस्ट जरूर करें दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें लेकिन एक एक चीज और है कि बहुत से लोग इस तरीके से कमर को उठाने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे आराम से अपने पैरों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लिया दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखा और फिर स्विंग करेंगे कैसे ऐसे स्विंग करेंगे बैठ गए फिर ऐसे स्विंग करेंगे कोशिश करेंगे कि अपने कमर को उठाएं ऐसे ये ऐसे स्विंग करेंगे ऐसे या तो हाथों को साइड में रखिए और ऐसे स्विंग करेंगे ऐसे इस तरीके से लेग रेसेस और है हिप को आप करना है ऐसे इस तरीके से जब कुछ दिनों तक आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाए कि कमर आसानी से उठने लगे तो फिर आप क्या करेंगे ऐसे कमर पर हाथ रख लें जल्दी से ऐसे ऐसे खड़े बैठे फिर उसके बाद तुरंत कमर पर ऐसे हाथ रखें ऐसे जैसे ही हाथ रखेंगे आप धीरे धीरे अपने हाथ को ऐसे कमर पर ऐसे मूव करते जाएं और एल्बो को अंदर की तरफ लाते जाएं, इस तरीके से ऐसे 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 इस तरीके से और ब्रीद करें ब्रीद करें ब्रीद करें जो गर्दन पर दबाव आ रहा है इसको जाने ऐसे फिर उसके बाद वापस से अपने घुटनों को मोड़े और फिर उसके बाद शवासन में आराम करें जब आप सर्वांगासन का अभ्यास कर रहे थे तो इसमें आपकी गर्दन जो है बहुत अच्छी तरीके से लॉक हो रही थी इस पर बहुत अच्छा दबाव हमने देखने को देखने को मिला साथ ही आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी का इम्प्रूव होगा आपका ब्लड सर्कुलेशन आपकी अपर बॉडी की तरफ कितनी बेहतरीन तरीके से हो रहा है और पूरी बॉडी का भार आपके शोल्डर के राउंड आपके नेक पर एक दबाव महसूस करेंगे दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है ताकि देश और दुनिया के किसी भी कोने में आप रह रहे हो आसानी से इन आ, क्लासेस के साथ जुड़ के अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सके इन क्लासेस को कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है अगर आपने पहले कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया या रेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं या आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्थ कंडीशन है जैसे कि थायराइड है डायबिटीज है हाइपरटेंशन, हाई, हाई ब्लड प्रेशर पीसीओडी की समस्या रात में नींद न आना अत्यधिक मानसिक तनाव का होना शरीर के किसी भी हिस्से में ज्वाइंट्स का पेन है या कि अपनी ओवरऑल हेल्थ को सही करने के लिए ही आप अभ्यास करना चाहते हैं स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं स्टेमिना अपनी फ्लेक्सीबिलिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये क्लासेज आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी इनफैक्ट मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स मेरी निगरानी में रह के योग अभ्यास कर रहे हैं उनको अपार स्वास्थ्य लाभ मिले हैं इन क्लासेस की एक और खासियत है कि आपको इस तरीके के योग अभ्यास करने के लिए घर से कहीं बाहर नहीं जाना बस अपनी मैट बिछाइए और शुरू हो जाइए हाँ अगर आप इन क्लासेस को जूम के माध्यम से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं मैंने कुछ कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं डेवलप किए हैं ये प्री रिकॉर्डेड कोर्सेस हैं और ये वीडियोस आपको एक्सक्लूसिव मेरे वेबसाइट पे मिलेगी यूट्यूब पर बिल्कुल भी नहीं है स्टेप बाय स्टेप इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि कोई भी बंदा जिसने पहले कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया वो भी इन वीडियोज़ को दे के देख के घर पर कभी भी कहीं भी किसी भी जगह योग का अभ्यास कर सके आप हर दिन सीखेंगे अलग अलग तरीके के आसन प्राणायाम ध्यान कैसे करते हैं अगर आपको इन जूम क्लासेस और रिकॉर्डेड सेशन के बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरी यहाँ पर मैंने वेब साइट शेयर की है जो कि है डब्लू या कि फिर मैंने यहां पर ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है इस व्हाट्सएप नंबर पर भी अगर आप एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो आपको क्लास के बारे में सारी की सारी जानकारी भेज दी जाएगी तो देर किस बात की जाइए मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए या कि फिर दिए हुए नंबर पर एक व्हाट्सएप कीजिए और शुरू करते हैं आप बढ़ेंगे अगले आसन के अभ्यास की तरफ जिसका नाम है हलासन हल आसन में भी मैं बिगनर्स के लिए बताऊंगी जो आसानी से ना कर पाए लेकिन पहले हल आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको क्या करना है आराम से से अपनी योगा मैट पर पीठ के बल वापस से लेट जाना है और फिर उसके बाद इस तरीके से सर्वांगासन कर लिया था हमने यहाँ तक सर्वांगासन हो गया था फिर उसके बाद क्या करेंगे आप सर्वांगासन से एक पैर धीरे धीरे ऐसे सर के ऊपर लेके जाएं दोनों पैरों को घुटनों से सीधा रखें गर्दन पर ऑलरेडी दबाव आ रहा है हाफ सर्वांगासन इस तरीके से फिर उसके बाद राइट पैर को ऐसे सीधा कर लें फिर उसके बाद लेफ्ट पैर को सर के ऊपर ऐसे ड्रॉप करें ऐसे इस तरीके से फिर से लेफ्ट पैर को सीधा करें राइट पैर को वापस से ऐसे मैट पर ड्रॉप करें सर के ऊपर तो इसका अभ्यास 3 से 5 बार कर लें ऐसे जब आप कंफर्टेबल हो जाए और हर एक बार पॉस्चर को होल्ड करके रखें ऐसे इस तरीके से ऐसे जब आप ऐसे कंफर्टेबल हो जाएं, एक पैर ड्रॉप करें तो दूसरा पैर ड्रॉप करके देखें कि आप कितने कंफर्टेबल हैं इस तरीके से ऐसे और फिर उसके बाद दोनों हाथों को आपने अपने मैट पर ऐसे ड्रॉप करना है घुटनों को सीधा करना है और ब्रीद करते रहना है ब्रीद करते रहना है ऐसे ब्रीद करते रहना है ऐसे फिर उसके बाद जब आपको वापस आना है तो अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़े और फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे वापस आए ऐसे लोगों के लिए ऐसे हल आसन करना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है तो आप एक छोटी टेबल ले लेंगे या कुर्सी ले लेंगे और उस पर हल आसन करने का प्रैक्टिस करेंगे जैसे कुछ दिनों के बाद आपकी स्पाइनल कॉर्ड में अच्छा एक्टिवेशन हो जाए अच्छा खिंचाव आ जाए फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए तो फिर उसके बाद आप बिना सपोर्ट के भी हल आसन का अभ्यास तो मेरे पास यहाँ पर ये कुर्सी है इस कुर्सी को रख लिया अब कुर्सी के सहारे हम किस तरीके से करेंगे हल आसन आराम से पहले सर्वांग आसन में आपको आ जाना है सर्वांग आसन में आने के बाद एक एक पैर को ऐसे ड्रॉप करें कुर्सी के ऊपर ऐसे पूरा ना कर पाएं तो पहले कुर्सी के सहारे करें ऐसे फिर उसके बाद राइट पैर को उठाएं लेफ्ट पैर को ड्रॉप करें फिर लेफ्ट को उठाएं राइट को ड्रॉप करें ऐसे और कुछ देर होल्ड करके रखें वन टू थ्री फोर फाइव चेंज लेफ्ट को ड्रॉप करें होल्ड करें वन टू थ्री फोर एंड फाइव जब ऐसा अभ्यास हो जाए तो फिर उसके बाद धीरे 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 आप अपने दोनों पैरों को ऐसे ड्रॉप करें और दोनों हाथों को आपने क्या करना है अपने आ, मैट पर ऐसे ड्रॉप करना है और होल्ड करना है जब तक आप पूरे के पूरे कंफर्टेबल ना हो बिना कुर्सी के सहारे लिए किस तरीके से होल्ड करना है टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन फिर उसके बाद हाथ का ब्रेक को ब्रेक की तरह इस्तेमाल करें और धीरे धीरे फिर स्पाइनल कॉर्ड को मैट पर ड्रॉप कर दें। अब जब आपका कुछ दिनों तक ऐसा अभ्यास हो जाए कुर्सी के सहारे कुर्सी को हटा दिया मैंने फिर उसके बाद आराम से सर्वांग आसन से डायरेक्टली हल आसन में आप ऐसे जा सकते हैं ऐसे टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन फिर उसके बाद धीरे धीरे हाथ को ब्रेक की तरह इस्तेमाल करें और कमर को नीचे जाने दें रेस्ट करें रेस्ट करें शवासन में लेट जाए रेस्ट करें अब जो हम तीसरे आसन का अभ्यास करेंगे इसका नाम है मत्स्य आसन या फिश पोज इसके लिए आपको अपनी योगा मैट पर लेटना है दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखना है फिर उसके बाद हल्का सा ऐसे उठना है बॉडी का वेट एल्बो पर ड्रॉप करना है और फिर उसके बाद अपने सर का सबसे ऊपरी हिस्सा ऐसे मैट पर ड्रॉप करना है चेस्ट को बाहर की तरफ पुश करना है ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन ऐसे फिर उसके बाद शवासन में लेट जाएं, रेस्ट करें फिर उसके बाद दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें दोनों पैरों को हग करें सर्वांगासन और हल आसन के कारण जो भी टेंशन हुई है स्पाइन पर उसको फील करें ऐसे इस तरीके से मसाज करें अपने पेट की अपने स्पाइन की आगे पीछे लुढ़के इस तरीके से ऐसे इस तरीके से ऐसे इस तरीके से फिर उसके बाद शवासन में लेट जाएं हाइपर एक्टिव को बैलेंस करने के लिए आपको हर दिन कपाल भाती का अभ्यास जरूर से ज़रूर करना चाहिए तो आराम से आप पालती मार के ऐसे या वज्रासन में बैठे हुए अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ ऐसे जोड़ लें कमर गर्दन को सीधी रखें फिर उसके बाद आंखों को बंद करके पंपिंग शुरू करेंगे सिर्फ आपको सांस छोड़ने पर ध्यान देना है सांस लेना अपने आप होगा सिर्फ सांस को छोड़िए एकदम फिर उसके बाद सांस अपने आप आएगी आंखों को बंद कीजिए फिर उसके बाद शुरू करिए तो ऐसे अभ्यास आपको एक एक मिनट के तीन राउंड कर लेने हैं और इसकी जो नंबर ऑफ पंपिंग है वो कम से कम मिनिमम 40 रखिए 40 से 60 40 से 60 और तीन सेट कर लीजिए ये हो गया कपाल भाती दूसरा जो अभ्यास है वो आपको करना चाहिए उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास के लिए आंखों को बंद कर लें गहरी सांस नाक से लें और नाक से सांस को छोड़ें नाक से सांस लें और नाक से सांस को छोड़ें ऐसे नाक से लें फिर से बहुत जोर लगा कि आप इन अभ्यासों को ना करें बड़े आराम आराम से करें और इस अभ्यास को कम से कम एक मिनट तो आपको करना ही करना है फिर उसके बाद आप जलंधर बंद लगा लेंगे गहरी सांस नाक से ली और फिर उसके बाद सांस को अंदर रोक लिया अपनी चिन को कॉलरबोन की तरफ अपनी ठुड्डी को गर्दन की तरफ इस तरीके से ऐसे फिर उसके बाद रिलीज़ कर दें सांस लें सांस को अंदर रोक के रखें गर्दन की तरफ अपने चेहरे को घुमा दें जब तक आप सांसों को रोक सकते हैं रोकें फिर उसके बाद चेहरा उठाएं और इस तरीके से जालंधर बंद का अभ्यास जरूर कर लिया करें कम से कम आपको इसका अभ्यास तीन से पांच बार करना ही करना है तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको इन योगासनों का अभ्यास सिखाया हर रोज कीजिए निरंतर कीजिए खुद भी कीजिए घर वालों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि वो योग का अभ्यास करें अगर आप चाहते हैं आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आगे आने वाली जो वीडियोज हैं कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक कर जिएगा और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब फॉरवर्ड कीजिएगा खूब शेयर कीजिएगा अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी मैंने यहां पर कुछ वीडियोस के रिकमेंडेशन आपको दिए हैं इन वीडियोस को भी देखिए जाके चेकआउट कीजिए अगली वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए नमस्ते